रहमत के दर भी खोले, जन्नत के दर भी खोले, आसमानों के दर भी खोले और महबूब के दर से रहमतों के फैलाव शुरू हुई। दो चीजों पर आज आप पहले फोकस करें, रोजे के आगाज के वक्त, सहरी के वक्त अल्लाह के अनवार और उसकी रहमत रोजादार पर शुरू होती है। हम कौन से आगाज करते हैं? तो एक एक लफ्ज मैं आज इस चीज ऑथेंटिसिटी पर मुझे इतना यकीन हुआ, मैं फिर बताऊंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर 13-14 सदियों तक के हुजूर का जायदाद नबी का इल्म हम तक पहुंचाया वो बड़े अच्छे लोग। तो रोजे के आगाज के वक्त, सहरी का वक्त आपके इल्म में है, रमजान मुबारक के अलावा भी सहरी का वक्त, कबूलियत का वक्त, और आपके इल्म में है रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे। वो तो वक्त वैसे ही सुहाना, लेकिन जब वो ये बरकतों वाले महीने से सहरी का आगाज होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा सबको, बच्चों को मैं आज करूंगा, बच्चों बहनों बेटियों को, जवानों को, खास तौर पर बुजुर्गों को, मैं खुद आपके साथ और इस चीज का होता उस टाइम सहरी से 5-10-15 मिनट पहले बावजूद हो गए तो नफे मैं तो आज पढ़ सका, तो ही पढ़ मेरा दरान सकने में जाए वो वक्त नाम का नहीं है, कदा नहीं है, हमारी अपनी वक्त उस दिन होता क्या है। शहरी के वक्त आलम इस्लाम पर, पूरी दुनिया इस्लाम में शहर के वक्त अपने बिस्तरों को छोड़ कर पूरा आलम इस्लाम साहिब के लिए उस टाइम को उठता है, सुन्नत महबूब अलैहि सलाम की अदायगी के लिए वुज़ू है, खाना है, दस्तरखान है, पीने की चीजें हैं। हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं होती, हम वो सहरी की चीजें रख कर सहरी कर रहे हैं। सबको पता है सरकार की सुन्नत अदा हो रही होती है, मगर नहीं हदीस शरीफ आपको आज खास तौर पे ये मैंने रेफरेंस ढूंढे, मुझे इस पर टाइम लगा और ये हदीस पाक मैं सुनाने में बड़ा लगा। तबरानी फिल औस, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया, इब्ने हबान ने अपनी सही में रिवायत किया और अत-तरगीब किताब में ये हदीस मौजूद है, ताकि आप पढ़े लिखे हैं मुझे खुशी होती है। और मैं हुजूर के लफ्ज के जो इस कुतुब में आए हैं तो उस सहरी के वक्त आलम इस्लाम हुजूर की सुन्नत की अदायगी में मसरूफ हुआ, और फिर उस वक्त एक रंग होता है उसको कभी भी आपने मैं जाए नहीं करने देना। 6 रोजे हमारे मुकम्मल हो रहे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन इब्न उमर قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين, आप लोग दस्तरखान में अपने रसूल की सुन्नत की अदायगी में मसरूफ हैं अपने घर वालों के साथ। पूरा आलम इस्लाम हुजूर ने फरमाया मेरा रब अपने सारे फरिश्तों को इकट्ठा करके
मेरी उम्मत की सहरी करने वालों का दरूद और रहमत हाजिर फरमा। मगर हुजूर की उम्मत को जो इज्जत अता कर दी जाती है तो मेरे महबूब के सुन्नत की अदायगी और मेरे रोजे के लिए अपने नींद को छोड़कर दस्तरखान पर मेरे महबूब की सुन्नत को अदा कर रहे हो तो जो काम मैं सदा अपने महबूब के लिए फरिश्तों को लेकर जो उन पर रहमत नबी पर दुआ करता था छम छम बरसता बरस बरसाता रहता हूँ। सहरी करने वालों आपको सिलसिला मैंने तुम पर भी जारी कर दिया। बहुत बड़ा टाइम लगता है शहरी मामूली नस्ल में सहरी को मामूली न समझे। आपको एक चपाती एक रोटी से इंशाअल्लाह क्या होगा 60 से ऊपर है अब कोई ना भूख ना प्यास ये उस सुन्नत की बरकत है और इस प्यारे रोजे की और रमजान शरीफ की ये ताकत है रूहानी ताकत है। ये आवाज इस प्यारे प्यारे महीने का आवाज किस तरह हमने हर रोजे का आवाज इन जज्बात और इन मोहब्बतों के साथ सही अदब और आदाब से और उससे पहले दुआ में सर झुका कर सजदे में या मेरे वाले मुझ में कहाँ ताकत इसलिए मुझ में कहाँ ताकत कि मैं रोजे रखूँ तरावी पढ़ूँ तिलावत देकर दुआएं मांगूँ दफ्तर भी जाना दुकान भी जाना होली है मेरे और भी बड़े काम मेरे वाले तेरा हुक्म है कुति वाले मन से हम मेरे वाले अब मेहरबानी फरमा इस रोजे को मेरे लिए आसान फरमा आसान फरमा दे दुआई करके सही करके दुआ मांगे उसकी आवाज इस तरह करना है ये तो आवाज था। मैं जरा इख्तिताम इफ्तारी में बात कर दूसरी बार अपने आप को मुत्तफ़क अलैह हदीस कौन सी होती है यहाँ धोखा करें आपके तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म रहेंगे आप भी बड़े हमारे उस्ताद थे हम तालिब इल्म हैं। मुत्तफ़क अलैह हदीस उस हदीस को कहते हैं जिसको इमाम बुखारी अपनी किताब में और इमाम मुस्लिम अपनी किताब में दोनों इमाम दर्ज करते हैं उस हदीस को कहते हैं मुत्तफ़क अलैह। इस हदीस पर दोनों आइमा ने इत्तेफाक किया ये एक इल्म नुक्ता आप समझ याद रखना। मुझे ये हदीस शरीफ मैंने बारहा बयान की थी आज न मिल रही थी मेहनत की परेशानी भी आई दुकानदार की ख्वाहिश होती है कोई चीज़ बाहर न रह जाए कमर चीज़ों की दफ्तर वाले या कोई फायदे चाहे कमर करके लॉक करते हैं तो इख्तितामी लम्हात होते हैं बड़े हैं दिन भर की पांच नमाजें चार नमाजें मगरिब से पहले
इफ्तारी के लिए घड़ी पर नजर बार बार लाने का दौर में भूख का प्यास लग हुआ है। वही हदीस शरीफ मैंने आपको सुना दी है, इफ्तारी के वक्त कौन से हदीस शरीफ को जहन में रखें और मैं वो हुजूर की हदीस पढ़ी जब सरकार ने रोजा खोला वो तीन लफ्ज मुझे याद आ रहे हैं। जब मैं अंदर अमल रहा हूँ वाइतन लतिल उरूक वसबत अजमिशा ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान